हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्टडी हब में स्वागत है। और आज से मैं आपको सिक्स सेम में जितनी भी सब्जेक्ट आने वाली है, जो डिफ़िकल्ट है, वो पहले पढ़ाऊंगा, बाकी सारी बारी बारी से, और उससे आगे भी जिस सेम में जो सब्जेक्ट चलती है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और आपका भी कुछ है कि पहले ये पढ़ाइए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज देख लेते हैं अपन, तो सेकंड सब्जेक्ट देख लेते हैं जो सिक्स सेम में आती है, उसका सेकंड चैप्टर। ये देखिए दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, आर्च। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं थ्री हिंज आर्च के बारे में इस वीडियो में नॉर्मल बताऊंगा। उसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा, और उससे आगे आपको प्रॉब्लम भी सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आप कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो एक्चुअल आर्च ये देखते हैं, ये है आर्च का डिज़ाइन, ठीक है। आर्च है ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एच ए सपोर्ट है, ये एच बी सपोर्ट है, ठीक है ना। और ये ऊपर है जो आर्च के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हिंज सपोर्ट होता है, ठीक है। ये एक्चुअल आर्च है, चलो देखते हैं इसके पॉइंट क्या कहता है। ये द सपोर्ट ए एंड बी ऑफ द आर्च आर कॉल्ड स्प्रिंग्स। ये ए और बी है जो सपोर्ट है, वो स्प्रिंग है। द सेंट्रल लाइन ऑफ द आर्च द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द आर्च एक्सिस सी। जब भी मैंने बताया था इसका हाईएस्ट पॉइंट है जो एक्सिस सी है, इसका क्राउन ऑफ द आर्च, ये क्राउन कहलाता, ठीक है। इट्स हाइट फ्रॉम द स्प्रिंग्स वाई इज कॉल्ड राइज ऑफ द आर्च। देखिए क्या है, ये है इसकी राइज, समझ गए ना। ये इसकी लेंथ स्पान, ये स्पान होती है, ये राइज होती है, समझ गए दोस्तों। बहुत महत्व तो है इस चीज़ का, आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या महत्व है। अब इसके अंदर एडी थ्योरम है, वो बेंडिंग मोमेंट के लिए वो क्या काम करती है, देखो। द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आर्च है, आर्च एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल इंट्रैक्शन। जो वर्टिकल इंट्रैक्शन होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है आर्च एक्सिस बिटवीन द थ्योरेटिकल आर्च। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, एच इक्वल्स टू म्यू सी अपॉन वाई सी। टाइप ऑफ थ्री इंच आर्च, थ्री इंच आर्च दो प्रकार की होती है, फर्स्ट पैराबोलिक आर्च, सेकंड सर्कुलर आर्च। इन दोनों का ही मैं आपको वर्णन बताऊंगा आगे, और इनके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा। आप देखते रहिए लगातार नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम से पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।